स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, क्या ये होते हैं? मेंटल इलनेस एक रियलिटी है, बिल्कुल, और एंटिटी पोजेशन भी एक रियलिटी है। आपको ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो पेशेंट है ये मेंटल इलनेस का पेशेंट है, या ये जो पेशेंट है इसके ऊपर कोई भूत पिशाच या कोई भी एंटिटी है? स्पिरिचुअल स्कैनिंग करने से हमें ये पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की है, ये प्रॉब्लम एंटिटी पोजेशन एंड मेंटल हेल्थ की है, या ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है। 70% केसेस ऐसे होते हैं जिनको सही ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता। आपको सबसे पहले मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, उनके अपने टेस्ट होते हैं, वो उस टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं, और आपको दवाई जरूर खानी चाहिए और एनकरेज करना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स को कि वो खाएं। अचानक से अलग बिहेव करना, एग्रेसिव हो जाना, लड़ाई में इतना एग्रेसिव हो जाना कि आपको लगे कि वो आपको मार ही सकते, हॉरर मूवीज को बंद करिए। छोटे छोटे बच्चे जब हॉरर मूवीज देखते हैं, यंग एडल्ट्स जब हॉरर मूवीज देखते हैं, तो आप सोचिए उसका क्या इम्पैक्ट है, चाहे वो मेंटल इलनेस में जाके निकले या वो स्पिरिचुअल पोजेशन में जाके निकले, है तो डैमेजिंग। तो एज अ सोसाइटी हमें कुछ बातें तो समझनी पड़ेंगी।